फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग खेलने वाले आरआईपी मिशन, जो कि होने वाला है हमारा 1890 वाला मिशन है। ये वाला हमारा मिशन 1890 है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बताने वाला हूँ चीज़, एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि उनका जो गेम में जो गन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मतलब वो जो दो गन, यहाँ पर दो गन आपको शो हो रहा है ना, ये साउंड ब्रेकर और मैंने क्रॉसबो लिया हुआ है, ये जो दो गन लेकर के वो गेम में जाते हैं, ये जो दो गन में जो है आपस में चेंज होता रहता है गेम के अंदर। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। उस भाई आप भी वीडियो को ध्यान से देखो, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लॉबी से देखो कि जिस भी मिशन के ऊपर ये वाला सिंबल होगा, मतलब ये वाला लोगो होगा, अब इस मिशन को टैप करो, यहाँ पर ब्लू में कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। पहले लिखा हुआ है वाई वी कैरी टू गन, मतलब हम दो गन क्यों ले, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, ये हेडिंग है। और नीचे जो लिखा हुआ है एक लाइन, यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है ना, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है किलिंग ए ज़ॉम्बी नॉट ओनली स्वैप्स योर गन बट ऑल्सो रिलोड्स देम इंस्टेंटली। मतलब ये बोल रहा है कि आपको गन को जो है रिलोड करना नहीं पड़ेगा इस मिशन, जिस मिशन में ये वाला लोगो है, ये वाला लोगो है ना, जिस वाला मिशन में ये वाला लोगो जो बीच में दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस इन्हीं मिशन में ये चीज़ अप्लाई होता है, मतलब ये वाला जो फीचर। तो आपको इसका मतलब क्या है, आप जब भी किसी भी एक जम्बी को पहले वाली गन से मारोगे, मतलब मैं साउंड ब्रेकर से किसी भी एक जम्बी को किल करूँगा, तो मेरा गन जो है वो दूसरे वाले गन पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्रॉसबो सामने आ जाएगा, इधर क्रॉसबो आ जाएगा यहाँ पर, और क्रॉसबो से फिर मैं एक जम्बी को मारूंगा तो फिर वापस साउंड ब्रेकर आ जाएगा। और आपको ध्यान, आपको एक ध्यान नहीं, आपको एक चीज़ आपको फायदा मिलता है, वो आपको है आपको जो गन जो है रिलोड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रिलोड फुल रिलोड गोली फुल रिलोड होकर के आ जाएगा। अगर आप साउंड ब्रेकर से, अगर यहाँ पर मेरा 10 MO मिलता है मुझे, 10 MO से अगर मैं एक भी जम्बी को नहीं मार पाऊंगा तो फिर मुझे रिलोड करना पड़ेगा। लेकिन 10 MO खत्म होने से पहले अगर कोई जम्बी मर जाता है तो क्रॉसबो आ जाएगा, और क्रॉसबो में जो 14 गोली होता है वो 14 गोली फुल होकर रहेगा। तो मैं साउंड ब्रेकर से अगर मान लो कि 8 गोली पे एक जम्बी को मार दिया तो क्रॉसबो आ गया, फिर मैं क्रॉसबो से खेला और क्रॉसबो में मैंने 14 गोली आता है, 4 गोली में मैंने एक जम्बी को मार दिया, फिर क्या मेरा साउंड ब्रेकर आएगा। लेकिन साउंड ब्रेकर में तो मेरा तो 2 गोली बचा हुआ था ना, क्योंकि मैंने 8 गोली वेस्ट कर दिया था एक जम्बी को मारने के लिए, 2 गोली बचा हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो जो 2 गोली है वो ऑटोमेटिकली 10 गोली पे शिफ्ट हो जाएगा, और 10 गोली के साथ वो साउंड ब्रेकर ऑटोमेटिकली चेंज होकर आ जाएगा, मतलब फुली रिलोड होकर डायरेक्ट आ जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इंट्रो काफ़ी ज़्यादा ही हो गया, तो 1890 वाले मिशन पे जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है गन चेंज होगा। आज हम लोग ये वाला मिशन ही खेलने वाले हैं, आरआईपी मिशन। बाकी दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर लॉकी पॉट इवेंट के बारे में बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये जो पॉट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला पॉट, ये आपको जो है सिर्फ मिशन में मिलेगा और कहाँ पर भी नहीं मिलेगा, जम्बी रिवर साइड मिशन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो मेन मिशन है ना, ये वाला जो मेन मिशन, ये वाला और ये वाला, ये सब मेन मिशन में ही आपको मिलेगा। ये वाला मेन मिशन जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला 1899 ये वाला मिशन में आपको मिलेगा, ये वाला लकी पोर्ट, आप इसको ब्लास्ट करके उनमें से आप जो ये वाला टोकन ले सकते हो। ये वाला टोकन आप लोग देख सकते हो, मेरे पास 4243 टोकन है, अभी मुझे क्या करना है, 40,000 टोकन करना है। अभी जाके मैं ये वाला जो फाइनल इसका लेवल 3 का जो ये जो क्या होता है तो जब तुम लोग 40,000 टोकन कर लोगे तभी जाके तुमको ये लेवल 3 का एनहेंस्ड लकी पॉट मिलेगा, मतलब इसको आप गन के साथ इक्विप करके गेम खेल सकते हो। ये कुछ इसका फायदे है, क्रिटिकल रेट बढ़ता है और डैमेज सब चीज़ बढ़ता है। जब मैं इसको क्लेम कर लूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एट्रीब्यूट क्या है। मेरे ख्याल से मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं 4,000 टोकन किया हूँ, 40,000 करना है वो भी 12 दिन के अंदर, क्या मैं कर सकता हूँ दोस्तों, कमेंट में बता देना आप लोग। चलिए बिना देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, 1890 पे चलते हैं और मैं आपको सबसे पहले गन वाली चीज़ दिखा दूँगा। मेरे पास क्या है, साउंड ब्रेकर है और क्रॉसबो साउंड ब्रेकर है, इस दोनों गन को लेकर के मैं जा रहा हूँ। मैं गन का साउंड को जो है थोड़ा कम कर देता हूँ, बता सकूँ वैसे मैनेज कर लेना। देखो यहाँ पर बहुत सारे देखो चेंज होगा, अभी मैं क्रॉसबो से मुझे एक किल कर लूँगा तभी जाकर मेरा साउंड ब्रेकर जो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। देखो अगर आपको भी डैमेज होता है तो भी चेंज हो जाता है, सही मुझे बताना भूल गया था, लेकिन अगर आपके डैमेज आता है तो वो भी उस वक्त भी गन मुझे आपका जो चेंज होता है। तो यहाँ पर जो फ्रॉग वाले जम्बी सारे ना, इनको मारना थोड़ा मुश्किल होता है, क्रॉसबो से वो नहीं करता, वो जंप करते हैं
मारते चले जाए स्पीड से तेजी से रिलोड होता है। रिलोड क्या चेंज होता है देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरा क्रॉस बुक साउंड देकर के एमओ पे ध्यान देना, सात एमओ है, छः एमओ है, ऐसा बीच में एमओ रह जाएगा दो या दो एमओ, फिर जो क्रॉस बुक आएगा फिर उसके बाद जो साउंड रहेगा वो रिलोड होकर जाएगा। ये देखो लॉकी पोट आ गया, इसको जो है आपको ऐसे शूट करना है। तो यहाँ पर देखो टोकन मिलेगा, देखो देखो 10-10 टोकन मिल रहा है ना, ये देखो देख रहे हो कितना ज़्यादा डैमेज है, सर्वाइवल लिखा हुआ है। ये जो ये ग्लोव्स का पावर है, ग्लोव्स जो ग्लोव्स मैंने पहना हुआ है ना उसका पावर है, कितना तगड़ा जा रहा है। देखो देखो कितना डैमेज है। इस ग्लोव्स के फायदे से आपको जो है 14,000 या फिर 15,000 1,00,000 तक डैमेज आता है इस ग्लोव्स के मदर, जब आपका हेड टू जो है 50% से कम होगा। यहाँ पर देखो 50% से लो है, लो होगा कभी जाते हुए डैमेज काम करेगा। ये देखो डैमेज आ रहा है, देखो 1,00,000 तक डैमेज आ रहा है, सर्वे भी लिखा हुआ है। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, अभी तो मुझे महंगा भी सारे क्योंकि बहुत सारे डैमेज आ रहे हैं। देखो रेज मोड पर ऑन करना पड़ेगा, ये हो गया रेज मोड ऑन। और देखो भाई कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है, वो ड्रोन को भी चालू कर देता हूँ। अरे भाई देखो तुम लोग कितना HP है, बस तुम लोग वही देखो कितना HP है। देखो ये देखो भाई कितनी ज़्यादा से मतलब कितनी तेजी से जो डॉन जो है वो, और HP तुम लोग देख सकते हो, HP देख सकते हो तुम लोग। और हमारा दोनों ड्रोन खत्म हो चुका है और गेम भी खत्म हो चुका है। ये होगा स्लो मोशन वन शॉट और गेम जो खत्म हो चुका है गाइस। तो तुम लोग देख सकते हो गॉन जो है कितनी तेज़ी से चेंज हुआ, क्योंकि एक किल करने पर आपका गॉन जो है चेंज होता रहता है, अगर आपको भी डैमेज आता है तो भी गॉन चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक एड देख लेता हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। तुम लोग देख सकते हो हमारा एड जो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अभी मैं चलता हूँ लॉबी पे सीधा और वहीं पे जो है आज के इस वीडियो को जो है एंड करेंगे। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं लॉबी पे और गेम हो चुके हैं ख़त्म। तो आज के इस वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।